नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं आपका प्रिंस हाजिर हूँ लेकर हमारा एक नया एपिसोड लाफ्टर इन सी टू ड्रीम मोहल्ला। सो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टैंड अप लाफ्टर में करेंगे एक टॉपिक पे डिस्कशन। व्हाट डू यू थिंक, मैरिड आदमी खुश रह सकता है? ये तो एक मिथ ही है। मैरिड आदमी कभी खुश रह नहीं सकता बिल्कुल सही। हाँ, अगर वो एक वो चाबी वाला बंदा है जिसको चाबी मारने पे ताली मारता है वैसा है तो खुश रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता, चांस ही नहीं है। ठीक है, जब आदमी सिंगल रहता है तो सैटरडे नाइट पूल क्लब डिस्को एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरी ऐश जो मर्जी करे, और मैरिड वाला नो सरप्राइज, सेम टीवी शो, सेम बीवी, सेम रूम, सब कुछ सेम ही सेम, सुबह शाम वही के वही। बंदा अपने आप ही कहता है कहाँ फंस गए यार। जब तक एक साल मैरिज को नहीं होता तब तक तो जिंदगी जो होती ना, लाइक करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्म जैसी, पूरा इंजॉय है, सब कुछ घूमना सब कुछ होता है, और जैसे ही इसके ऊपर हो जाती है फिर तो ओ माई गॉड क्या कहें, है ना। वही जैसे कोई किसी को 25 साल हो गया, किसी को कितना हो जाता है, वो अपने आप ही कहते हैं मर जाने हाँ, तेरे करके मेरी जिंदगी स्पॉइल हो गई। ये एक पंजाबी लेडी वूमेन, लेडी मैरिड वूमेन की कहानी होती, मर जाने हाँ, तेरे करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड फैमिली की बात करें, बस आपने ना, आपने ही मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इस तरह बात होती है। राइट, है ये सच, माने या ना माने इट्स अप टू यू। ठीक है, और फिर जैसे थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब 25 साल प्लस हो गई होती है, पूछते हैं हाँ जी भाभी जी क्या सीन है? अब क्या सीन, दवाइयों पे ही चल रहे हैं। इसी तरह ही मैरिड बंदा कांट बी हैप्पी, कांट बी हैप्पी। इतना हमारे सीडरी मोहल्ला में अंकल जी हैं जिनको दवाइयों का बड़ा शौक है, शौक इन द सेंस कि उनको हर वक्त, इनके अंदर एक गलत फहमी है कि मुझे कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी बाह में दर्द है, कभी शोल्डर में दर्द है, कभी टांग में दर्द है, कभी कहीं कहीं कहीं। वीक में वो 3-4 बार डॉक्टर के पास जाएंगे तसल्ली के लिए, दवाई के लिए, कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। डॉक्टर को भी इस लाइक है कि जैसे सब्जी वाले की दुकान है, कुछ ना कुछ ले ही ले, वही उनका दवाइयों का काम है। राइट, और एक बार मैं साथ में चला गया तो डॉक्टर साहब के साथ गए, तो डॉक्टर साहब पूछा हाँ जी सर हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तो वो कहता है, अंकल जी कहते हैं मेरे ना पेट में थोड़ी सी आवाज़ आई है ठा करके, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, आप ना प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरे तो ये आवाज़ सुन के बीपी डाउन ही ना हो गया। तो डॉक्टर साहब, हुआ कुछ नहीं सर, मैंने जो आपको कैप्सूल दिया था वो आपने कितनी देर पहले लिया? बस जी 10-15 मिनट पहले लिया जी, बस वो अंदर गया होगा, वो फट गया होगा और उसी की आवाज़ आई होगी, और आप तो वैसे डर गए और बीपी लो कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी तो डरा ही दिया मेरे को, चल अब आ ही गया हूँ तो मेरा बीपी तो चेक कर दीजिए। वो डाका सुनकर बीपी तो लो हो ही गया है। हमारे मोहल्ले में एक और बच्चा है, और वो अपने, उसे कुत्तों पालने का शौक़ है, तो उसने एक नया कुत्ता लिया, अपने पापा के पास गया, उसके पापा के पास उनके दोस्त थे, वहीं पे बैठा हुआ, कहता पापा मुझे डॉगी का नाम क्या रखो बताओ, कुछ फेवर करो। तो पापा कहते हैं कुछ भी रख दे बेटा, इसमें क्या है। बच्चा, ओके पापा मैं टोमी रख देता हूँ। पापा, नहीं नहीं क्यों पापा, इतना अच्छा नाम है टोमी। नहीं बेटा, ये हमारे पास जो अंकल बैठे ना इनका नाम टोमी है। ओ सॉरी अंकल जी, मैं कोई और नाम सोचता हूँ। तो वो थोड़ा देर सोचता है और फिर कहता है पापा जी मैं इसका नाम शेरू रखता हूँ।
नहीं बेटा, अब क्यों पापा, ये तो अच्छा नाम है शेरू, शेर जैसा है। बेटा, शेरू इनके बेटे का नाम है। ओ सॉरी अंकल जी, दोबारा, और मैं कोई और नाम सोचता हूँ। चलो अब ना मैं सोचता हूँ कौन सा नाम रखूँ, कौन सा नाम रखूँ। बुलेट रख लेता हूँ पापा, बुलेट ठीक है। नहीं बेटा, अब क्या इनकी फैमिली में बुलेट भी है? अरे नहीं बेटा, शुक्र है, मुझे लगा कहीं यहाँ पे भी कोई बुलेट है। तो फिर क्यों बेटा, हमारे पास बुलेट हो, बाइक भी तो है। अगर मैंने कहा जा बुलेट ले आ, तो बाइक की जगह कुत्ता ले आ, तो मैं तो फिर अटक जाऊँगा। हाँ ये भी सही है पापा, मैं कोई और नाम सोचता हूँ। ओके हाँ पापा, इसका नाम मैं पप्पी रख दूँ? नहीं बेटा, क्यों हूँ अब पप्पी में क्या इतराज है? बेटा इनके भाई का नाम पप्पी है। सच्ची अंकल? अंकल हाँ, आपको सारे कुत्तों वाले नाम मिले, कोई और नाम नहीं मिला? तो आपको हमारे ये छोटे छोटे फुलहारे चुटकले अच्छे लगे होंगे, और भी ऐसे चुटकलों को एंजॉय करने के लिए, ऐसे पंच को एंजॉय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, सो दैट कि आप हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। शेयर करने से ये क्या होगा कि हम और बंदों को भी पता चलेगा हमारे बारे में, हमारे चुटकुलों के बारे में, और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, थैंक्स यू। और अब मैं प्रिंस आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल।